खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंगलवार को हुआ था आग का तांडव देखने को मिला है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज मोहर्रम ताजियों का विसर्जन किया जा रहा है। आपको बता दें आग के कुंड में कूदे मुस्लिम धर्मावलंबी जो है वो लगातार उनके जो भी परंपराएं रहती है उसको फॉलो करते हुए यहां पर नजर आए हैं। भारी संख्या में अग्नि स्नान में शामिल हुए थे लोग। तो आपको बता दें ग्वालियर से यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आज मंगलवार को आग का मातम देखने को मिला था, और मंगलवार को आग का ये मातम देखने को मिला है, ये लगातार परंपराएं होती है, उसी के तहत ये आग का मातम जो है ये मुस्लिम तबके के लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिमों ने अग्नि स्नान कर यहां पर मातम मनाया है। मोहर्रम का जो है वो चल रहा है और उसमें लगातार मुस्लिम समाज जो है वो मातम मनाता है। भारी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए हैं और लगातार मंगलवार को यहां पर आग का ये मातम देखने को मिला है। ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर अग्नि स्नान के दौरान आसपास खड़े लोगों पर भी शोले उछले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी की पूरी परंपराएं बनाई जाती है। यादव हुसैन मनाई जा रही है, यादव हुसैन मनाई जा रही है, काफी सालों से चल रहा है। ये अपने गुलामी का सबूत देते हैं साहब, ये हुसैन के चाहने वाले हैं, ये अपने ईमान ताजा करते हैं इस आग में से बजाय। इसमें कम से कम 80-90 लड़के कर चुके हैं। खास बात ये है कि ये अपने ईमान को पुख्ता करते हैं और जो हुसैन के गुलाम होते हैं वो इसमें से गुजरते हैं।